होगी, वॉइस तो आ ही रही होगी, कनेक्ट होगा ना, कनेक्ट होगा, कनेक्ट। पेपर हो गया आप लोगों का, कैसा रहा, रिव्यू दे देंगे तो। कैसा एग्जाम रहा मैम, रिव्यू दे देंगे, क्वेश्चन वगैरह बता देंगे। देंगे एक बार क्वेश्चंस कैसे आए, क्वेश्चन वगैरह बता देंगे मैम, याद हो तो। आज रहने दो, आज रेडी नहीं है कोई, है ठीक है, आज तो सब। कैसा पेपर रहा आप लोगों का आज, सब वैसे ही है, डिस्टर्ब है ना, तो एक तो आज बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं लास्ट तक कोई रिव्यू मिल जाए अच्छा सा तो। कैसा एग्ज़ाम रहा, बच्चे यार ऐसे डर के भागते हैं, ऐसे डर के जाते हैं कि उनको बताने में मतलब कुछ, जैसे कुछ हम छीन लेंगे, इनके मार्क्स छीन लिए जाएंगे, यहाँ यदि उन्होंने बता दिया तो उनके नंबर कम कर दिए जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं ना, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, जेन्युइन तरीके से यदि आप देखें तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, चलो सब भागते जा रहे हैं, सब जा ही रहे हैं। कैसा पेपर रहा, सब डर के भाग रहे हैं यार भाई, ठीक है। चार्ज आए थे उधर, हमने ध्यान नहीं दिया, हाँ समूह बैठेंगे, पेपर हो गया आप लोगों का, रिव्यू दे देंगे, पेपर हो गया आप लोगों का, कैसा रहा, रिव्यू दे देंगे, क्वेश्चन वगैरह याद हो तो बता दीजिए, आ जाओ चलो ठीक, कैसा पेपर है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आए मेरे, 100 आए हैं, आप कितने हैं, आ जाइए, तो कोई क्वेश्चन वगैरह बता पाएंगे, हाँ सबसे ज़्यादा अनुपात पूछा है और परसेंटेज, और बहुत मतलब पेडागोजी बहुत टफ आई थी, जीन पियाजी से 5-6 क्वेश्चन थे, जीन पियाजी से 5-6 क्वेश्चन थे, ठीक है, हाँ। पर्यावरण में बता पाएंगे कोई क्वेश्चन, पर्यावरण में एक एंड मतलब स्पेस से कुछ नहीं था, मतलब एक था एंट्री साइड, उसकी मतलब ईयर पूछा था, ईयर हाँ, मतलब तो कैसा कोई क्वेश्चन था, मतलब एंट्री साइड मतलब वो ये एक स्पेस की वो है ना एजेंसी, तो वो उसके बारे में पूछा था वो, अच्छा, ना उसके बारे हाँ, में पूछा था। और कोई क्वेश्चन याद हो, ग्रह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, ग्रह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, और मतलब ये पोएट के नाम पूछ रहे हैं, एक बुक थी मतलब, अच्छा बुक के पोएट का नाम, हाँ, मतलब उसके वो ऑथर का नाम पूछा होगा, हाँ ऑथर के नाम भी पूछे थे, और संस्कृत भी बहुत टफ आई थी, मतलब विभक्ति पूछ रहे हैं संस्कृत में, संस्कृत में विभक्ति पूछी, हाँ और प्रत्यय, दो प्रत्यय आए और दो विभक्ति आई, दो विभक्ति से क्वेश्चन, हाँ दो विभक्ति, और एक ये समुदाय है ना, ये समुदाय वर्ड किस किस भाषा का है, अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन, हाँ मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन, बहुत और पेडागोजी में कितने क्वेश्चन आए हैं, पेडागोजी मतलब 30 नंबर की बाल विकास, और मतलब सब में 15-15, मैथ बहुत टफ आई आज की, मैथ में मतलब रेशियो के अलावा और कौन कौन से टॉपिक पूछे हैं, मतलब मैथ में परसेंटेज भी था और अनुपात समानुपात भी था, और ज्यामिति से कोई क्वेश्चन था, हाँ ज्यामिति से मतलब एक ट्रायंगल आकृति बनी थी उसमें कोण ज्ञात करना था, अच्छा कोण ज्ञात करना था, और कोई क्षेत्र विधि से क्षेत्रफल वगैरह निकालने का कोई नहीं, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये कोई भी क्वेश्चन, बाल विकास का कोई क्वेश्चन याद है, बाल विकास में जीन पियाजी सबसे ज्यादा था, एक एक नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग, ये अच्छा था, ये वाला था, हाँ और मतलब जीन पियाजी से 4-5 क्वेश्चन, बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन आया है, हाँ बायोलॉजी, कोई बीमारियाँ पूछी हो, कोई पूछा हो, हाँ मतलब विटामिन से प्रोटीन से कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं थे, मतलब एक परितंत्र से था, परितंत्र से था, कोई मेडिसिन वगैरह पूछी है, कोविड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, नहीं नहीं ये कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन होगा, नहीं 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 ये कोई भी, स्पोर्ट्स का ना, स्पोर्ट्स के कोई भी क्वेश्चन नहीं, मतलब बहुत अलग पेपर, राजस्थान से कोई क्वेश्चन था, नो नो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, थैंक यू, आपका कैसा रहा पेपर, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 91 है, चलिए तो कोई क्वेश्चन वगैरह याद हो कुछ और डिटेल में बता पाए तो, मैथ्स के अनुपात के कुछ क्वेश्चन थे, मैथ्स में एक बहुपस्थी क्वेश्चन था, अच्छा एक परसेंटेज से क्वेश्चन था, ठीक है, दो संपूरक कोण के, संपूरक कोण वाले क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन था,
कि मतलब एक संपूरक कोण कहा था, एक संपूरक कोण है जिसके 20 गुने से मतलब जिसके 20 गुने से 3 कम है। एक अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है? अच्छा ये चलिए ठीक है ठीक है। एक और संपूरक कोण मतलब संपूरक कोण के 2 हो गए और एक तो वो त्रिकोण में कोण निकालने वाला आया था और एक एकांतर वाला क्वेश्चन दिया था 140 दिया हुआ था 110। अच्छा एकांतर कोण पे भी क्वेश्चन पूछ लिया बना हुआ था डायग्राम, मतलब ज्यामिति में अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए। और क्षेत्रफल वगैरह निकालने आया था किसी का? क्षेत्रफल किसी का भी नहीं आया। और प्रतिशत से ब्याज से या लाभानि से कोई क्वेश्चन पूछा? आगे आ जाइए आप लोग भी। प्रतिशत से एक ही क्वेश्चन था 36% वाला, एक ही क्वेश्चन था। हाँ, लाभानि वगैरह से? नो सर, आज लाभानि ब्याज से कोई इंटरेस्ट से क्वेश्चन हो? नहीं सर, आज ब्याज से कोई क्वेश्चन नहीं था। पर्यावरण में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं? सर पर्यावरण तो थोड़ा सा हाई दी है, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं थी कहा जाए तो सर। अच्छा अंतरिक्ष से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे? आज मेरे पेपर में अंतरिक्ष क्वेश्चन नहीं आए। अंतरिक्ष से कोई भी क्वेश्चन नहीं था? नहीं आज नहीं। कोई ग्रह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? खिलाड़ी खिलाड़ी वाले क्वेश्चन थे दो सर आज। अच्छा स्पोर्ट्स का था? हाँ, दो क्वेश्चन। कैसा कोई क्वेश्चन था? मतलब था लेकिन स्पोर्ट्स के दो क्वेश्चन थे। दो तीन सन पूछे गए थे सर आज। अच्छा और कोई ऑथर का नाम पूछा हो, बुक वगैरह का पूछा हो, योजना वगैरह कोई पूछी हो? सर एक योजना आई थी। योजना आई थी। और पॉलिटी में कोई अनुच्छेद वगैरह पूछा गया हो भाषा से संबंधित? हाँ सर एक अनुच्छेद था संरक्षण और बच्चा वाला अनुच्छेद था, बच्चे का मतलब अनुच्छेद पूछा गया। और कोई बाल विकास के कोई क्वेश्चन हो? सर जीन प्याजे के 2-3 क्वेश्चन थे। जीन प्याजे के क्वेश्चन थे। और किसी की थ्योरी वगैरह पूछी? कुछ कथन दिए थे उन्होंने, कहा था कि ये किसका कथन है इस टाइप से। अधिगम से क्वेश्चन थे 2-4। अधिगम से भी क्वेश्चन? हाँ सर क्वेश्चन। एक और संवेग भावनात्मक। संस्कृत में व्याकरण से कितने क्वेश्चन होंगे? मिनिमम 7-8 क्वेश्चन दोगे गद्यांश पद्यांश मिला के। गद्यांश पद्यांश मतलब दोनों में व्याकरण? हाँ। संधि पूछा, समास पूछा, क्या पूछा, अलंकार वगैरह क्या पूछा? एक संधि आई थी। एक संधि आई है। हाँ। ठीक है। और अलंकार वगैरह? सर अलंकार नहीं था उसमें। अच्छा और लकार वगैरह कोई पूछे गए हैं? सर एक नपुंसक लिंग था। ठीक है। हिंदी में? हिंदी की हिंदी तो अच्छी आई थी सर आज की। हिंदी आई थी, उसमें भी व्याकरण के क्वेश्चन थे। हाँ सर कुछ। कितने क्वेश्चन रहे होंगे? संधि समास कोई क्या पूछा गया? सर मुझे संधि तो नहीं मिली हिंदी में एक भी। अच्छा। अच्छी थी हिंदी की पद्यांश गद्यांश, अच्छे क्वेश्चन थे हिंदी में। हाईएस्ट नंबर कितने गए लैब में पता है? हमारी लैब में 99 है सर। 99 है। चलिए थैंक यू सो मच। कैसा आप लोगों का एग्ज़ाम? सर बहुत कम मार्क्स आए हैं, 90 आए हैं, मगर जो संस्कृत थी ना उसमें एक हिंदी से पूछा गया था सद्गुण की, वो पूछी गई थी संधि, और संस्कृत में पैराग्राफ आप दे दिए गए थे और उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चन किए गए थे व्याकरण से थे, तो उन्होंने पूरे न्यूमेरिकल रख दिए थे। बहुत कम क्वेश्चन होंगे, मतलब 4-5-6 ही होंगे पैराग्राफ के, बाकी मतलब मैक्सिमम न्यूमेरिकल। ज्यामिति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ना? ज्यामिति से तो नहीं, कोण वगैरह पूछे हैं, संपूरक पूरा कोण, कोण में सिर्फ एक ही कोण कोण वगैरह था, बाकी वो सरलीकरण का था। सरलीकरण ज्यादा थे। हाँ। घातांक करनी पे था कि वर्गमूल वगैरह निकालने के लिए था? एक घातांक वाले पे भी था सर, और वर्गमूल वगैरह निकालने जो वैल्यूज पुट की जाती है ना प्लस माइनस की डिवाइड की बोर्ड मास वाला। अच्छा। उसमें उन्होंने अलग तरीके से पूछा है कि जो मतलब उन्होंने क्वेश्चन दिया प्लस को माइनस कर दे, माइनस को प्लस कर दे दिया है, फिर उन्होंने बोला कि आप इनको चिन्हों को अलग करिए, चिन्हों को बदल दिया जाए तो कैसे कोई क्वेश्चन होगा, वैसे करके बोला। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? और ईएमएल करके कुछ आया था, मेरे पास तो टाइम नहीं बचा था, वैसे मैं मैं पढ़ गई थी, अब तो पूरा पेपर ही छूट गया। वैसे पेपर आज का अच्छा था, पेपर अच्छा वैसे था। संस्कृत जाए वैसे टफ थी आज, कुछ आया था कि इसके उपन्यास किसने लिखा है तो उसमें भी कोई आइडिया नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर का दे दिया था वो कभी मिलता ही जुलता नहीं था कुछ, और उसमें जो मिट्टी में जो संचित करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उन वाले वायरस का नाम पूछा है, बहुत ज्यादा डीपली पूछा है, मतलब थोड़ा सा साइंस में भी क्वेश्चन पूछा तो डीप। हाँ, केमिस्ट्री रिएक्शन वगैरह तो नहीं पूछे से आज कोई भी नहीं थे, रिएक्शन नहीं पूछे, और व्याकरण ग्रामर संस्कृत की एक ही दो थे उसमें कुछ नहीं था, विभक्ति वगैरह एक ही दो थे बाकी कुछ नहीं था उसमें संस्कृत में। और लेखक वगैरह ये जो हिंदी में कविता दी थी तो उसके लेखक भी पूछे हैं क्या? बाकी गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आए हैं जो तो उससे मिलते जुलते थे बाकी उसी से आज तो। और हाईएस्ट नंबर आपके लिए में कितने थे पता है? उसमें 100 ही थे सर, 100 ऊपर नहीं था, मैक्सिमम 100 था, और सबके इतने ही थे कि 50 से नीचे ही थे सब, किसी के भी ज्यादा नहीं थे। थैंक यू सो मच। तो देखो और मैं से अनुपात ज्यादा था। अच्छा अनुपात ज्यादा था सर, अनुपात सरलीकरण वाले आयु के 3 क्वेश्चन थे। लाभान करेंगे कि कल हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आपके एनालिसिस करा पाएँ। थैंक यू।